यूपी के लखीमपुर खीरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दोपहर 1 बजे होगी सभा। राहुल गांधी आज यूपी में करेंगे 3 रैलियां, दोपहर 12 बजे पलिया में होगी पहली सभा। बिजनौर के अफजलगढ़ में भी राहुल की रैली आज 2 बजे से, जनता से मुखातिब होंगे राहुल, 3 बजे बरेली में करेंगे रैली। भाई शिवपाल के लिए वोट मांगने के बाद आज बेटे के लिए वोट मांगने निकलेंगे मुलायम सिंह, इटावा और मैनपुरी में करेंगे रैली। यूपी में आलापुर विधानसभा सीट से एसपी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया का दिल का दौरा पड़ने से निधन, चुनाव आज स्थगित किया चुनाव। यूपी में दूसरे चरण के 67 विधानसभा सीटों के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार, इन सीटों पर 15 फरवरी को होगा मतदान। दूसरे चरण में यूपी में 11 जिलों में होना है मतदान, कुल 721 उम्मीदवार हैं मैदान में। उत्तराखंड में आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन, शाम 5 बजे तक थम जाएगा चुनावी शोर। उत्तराखंड में है कुल 70 विधानसभा सीटें, 15 फरवरी को 69 सीटों के लिए होगा मतदान। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत, कर्णप्रयाग में मतदान क्या प्रक्रिया चली। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर राहुल गांधी ने की गंगा आरती, कल रोड शो के बाद पहुंचे थे गंगा किनारे। रामपुर में आजम खान ने अमर सिंह को एक बार फिर कहा दलाल, जानवरों से की तुलना। अरे है तो फिर भी जानवर। आजम खान ने अमर सिंह पर निशाना साधते हुए तमाम विवादित बयान दिए, हर नसीहत में दिखा कटाक्ष। क्या सांड अगर जानवर ही बनना था तो एक वफादार जानवर होता है जो घर के दरवाजे पर बैठा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ता कार्ड पर छिड़ा घमासान, निर्वाचन आयोग ने इसे आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए साइबर सेल में दर्ज कराया केस। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लॉन्च किया था बेरोजगारी भत्ता कार्ड रजिस्ट्रेशन के 100 दिन के भीतर बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ते का था वादा, रोक के बावजूद जारी था रजिस्ट्रेशन। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, राहुल ना लगाए ताका झांकी का आरोप, वास्तव में हुई ताका झांकी तो भूल जाएंगे बार बार विदेश जाना। कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी, राजीव गांधी उड़ाते थे विमान लेकिन उनका बेटा साइकिल को लगा रहा धक्का। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक से बीजेपी का सामना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने राहुल गांधी को बताया बेचारा, बोले पप्पू वाली स्थिति है उनकी। मुंबई में बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने निकाली पर्यावरण सुरक्षा रैली, साइकिल पर नजर आई साइना एनसी। एक बार फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव के दिए संकेत, बीएमसी चुनाव में बीजेपी से करार न हो पाने पर बढ़ा तनाव। पुणे में असदुद्दीन ओवैसी को आम सभा की नहीं मिली इजाजत, स्थानीय निकाय चुनाव में एआईएमएम उम्मीदवार का करना था प्रचार। ओवैसी के भाषण से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का था खतरा, लिहाजा सड़क पुलिस ने रैली को नहीं दी मंजूरी। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश के लिए रखी गई थी कुर्सी, पर बैठ गए लालू, गलती का एहसास होने पर बदली कुर्सी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने सोमवार को बुलाया बंद, कुलगांव में नागरिकों की मौत के विरोध में बंद। शशिकला पर पनीर सेल्वम ने ली चुटकी, कहा घड़ियाली आंसू और रोज नए जुमलों से नहीं बनेगा काम। शशिकला गवर्नर के नियोते में देरी से खफा, 129 विधायकों के साथ होने का किया दावा। चेन्नई के गोल्डन बे रिजॉर्ट में दूसरे दिन भी शशिकला ने विधायकों से की मुलाकात, बंधक बनाए जाने के आरोपों को किया खारिज। पनीरसेल्वम का शशिकला पर पलटवार, बोले अगर बंधक नहीं है विधायक तो उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जाता घर। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धरमैया सरकार पर गंभीर आरोप लगाया, कहा कर्नाटक सरकार ने किया 150 करोड़ रुपए का घोटाला। येदियुरप्पा ने सीएम सिद्धरमैया पर किया सीधा वार, स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में 65 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का लगाया आरोप।
भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को अवमानना का नोटिस भेजा। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन को किया तलब। 7 जजों की बेंच के सामने होगी जस्टिस सीएस कर्णन की पेशी। जस्टिस कर्णन ने जजों पर जातीय आधार पर पक्षपात का लगाया था आरोप। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर भी उठाया सवाल। अमेरिका ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। पाकिस्तान सीनेट के डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी को वीजा देने से किया इनकार। हैदरी को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक में होना था शामिल। कचकनलिया में गैंगरेप के शिकार एक पीड़िता कैमरे के सामने आई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने 4 बीजेपी नेताओं समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बलात्कार पीड़िता का आरोप रेप का बनाया गया एमएमएस, जिसे दिखाकर किया था ब्लैकमेल। करीब 30 लड़कियों के चंगुल में फंसे होने का दिया हवाला। भोपाल में जासूसी के 5 आरोपियों को भेजा गया जेल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का है आरोप। दिल्ली के पश्चिम विहार में बुजुर्ग दंपति की कार हादसे में मौत पर सामने आई पुलिस की लापरवाही। पीड़ित परिजनों के सबूतों को पुलिस ने किया था नजरअंदाज। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। वक्त रहते उतार लिए गए सभी यात्री। हैदराबाद टेस्ट में भारत जीत से 7 विकेट दूर। आज बांग्लादेश को बनाने हैं 356 रन। कल चौथे दिन 3 विकेट खोकर बनाए 103 रन। संजय दत्त की पत्नी मान्यता की बेटी त्रिशाला के रिश्तों में पनपा प्यार। न्यूयॉर्क में मान्यता ने त्रिशाला संग बिताया वक्त। साझा की तस्वीरें। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म runningshaadi.com को सवालों के जरिए कर रही है प्रमोट। बिग बी ने भी एक सवाल के जवाब में अपलोड किया वीडियो। जैकलिन फर्नांडिस और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने घोड़े को चारा खिलाने का अपलोड किया वीडियो। दोनों की दोस्ती की हो रही है चर्चा।